हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितेश कुमार, फर्स्ट लॉ टीचर ऑफ योर लाइफ फ्रॉम AKNCA क्लासेस स्टूडियो दिल्ली। दोस्तों, मैं नितेश कुमार AKNCA क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, टू रिकॉर्ड डेमो लेक्चर ऑफ पेपर नंबर 2 ऑफ CA फाउंडेशन कोर्स। द पेपर इज नेम्ड एज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। फ्रेंड्स, अगर CA फाउंडेशन कोर्स का आप स्ट्रक्चर देखें तो यू हैव टू स्टडी 4 पेपर्स। पेपर नंबर 1 इज अकाउंटेंसी, पेपर नंबर 2 इज बिजनेस लॉज एंड BCR, पेपर नंबर 3 इज बिजनेस मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अगर इन चारों पेपर का एक आप ओवरव्यू देखें तो व्हाट यू विल फाइंड अमंग ऑल दीज पेपर्स, पेपर नंबर 2 इज क्वाइट अ न्यू पेपर। पेपर नंबर 1, 3 और 4 अकाउंटेंसी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का एक ब्रीफ, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होता है, प्लस 2 में आप कर रहे होते हैं। लेकिन जहां तक पेपर नंबर 2 की बात है, इट इज क्वाइट अ न्यू पेपर, और आपके मन में बड़े सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बड़े सारे क्वेरीज होंगी कि हाउ टू डील विद दिस पेपर। एंड दैट्स व्हाई हमने अपने आप को आपके लाइफ का फर्स्ट लॉ टीचर कहा है। आज लॉ पढ़ाते समय मैं अपने आप को वहीं पे पा रहा हूं जो स्टेटस आपका था जब आप फर्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे, मैथमेटिक्स की क्लास लेना स्टार्ट किए थे। उस समय आपको नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये टॉपिक समझाए गए होंगे। एग्जैक्टली वही बात बिजनेस लॉज के साथ आज की क्लास में है, जिस पेपर को आप पहली बार अपने लाइफ में पढ़ने की कोशिश करोगे। तो आओ दोस्तों, पूरा माहौल अगर आप देखो तो लॉ नुमा माहौल है। हमारे बैकग्राउंड में देखो तो यू विल हैव द फील दैट इट्स अ लॉ ऑफिस, इट्स अ लॉ स्टूडियो। कभी आप लॉयर के चैंबर में विजिट करते होंगे, आपके घर पे आपके रिलेटिव्स लॉयर होंगे, उनके भी चैंबर में अगर आप जाते होंगे तो एग्जैक्टली यही बैकग्राउंड आपको दिखता होगा, यही बुक्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में वहां पे सजा के रखा गया होगा। द सेम फील इज हेयर। तो नाउ वी शुड स्टार्ट विथ पेपर नंबर 2, एंड दैट पेपर इज द पेपर इज नेम्ड एज पेपर नंबर 2 इज नेम्ड एज बिजनेस लॉज एंड BCR। हंड्रेड मार्क्स का ये पेपर है, सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे ये पेपर है, डिटेल्ड आंसर आपको देने होते हैं, जिसमें 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है और 40 मार्क्स का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है।
व्हाट यू विल फाइंड, सीए फाउंडेशन स्टेज पे भी आपका लॉ पेपर स्टडी करना है, इसके बाद जब आप सीए एंटर स्टेज पे जाते हैं अगेन यू हैव टू स्टडी लॉ दैट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लॉज एटसेट्रा, अगेन दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। और सीए फाइनल में जब आप जाते हैं वहां पे भी आपको लॉ पेपर पढ़ना है। ये सीए के तीनों ही स्टेज पे है। कहने का सेंस क्या हुआ, जो पहला स्टेज आपका सीए फाउंडेशन का है, इस स्टेज पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि इस पेपर का फाउंडेशन आप स्ट्रांग कर लें। अपना चैलेंजेज आएंगे लेकिन उन्हें हमें फेस करना आना चाहिए। और मैं इस प्रोसेस में आपकी पूरी मदद करने के लिए यहां उपस्थित हूं। अगर आप देखें तो आई एम हैविंग द बैकिंग ऑफ 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 25 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और इसमें इस स्लाइड पे आपको दिखेगा इन दिस वंडरफुल टीचिंग जर्नी माय स्टूडेंट्स हु आर आवर रियल एसेट्स दे हैव सिक्योर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक इन द ईयर 2000-2001। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय मेरे स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन स्टेज पे पूरे इंडिया में फर्स्ट और सेकंड रैंक लाया था। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग अबाउट द ब्रीफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय प्रोफेशनल करियर। उसके बाद तो बड़े सारे रैंक्स आए। रैंक कहने का सेंस क्या हुआ, पोजीशन। फिर एक अनदर माइलस्टोन आया मेरे टीचिंग करियर में एंड दैट वाज इन द ईयर 2016, जब यही सीए फाउंडेशन कोर्स उस समय सीए सीपीटी हुआ करता था, ठीक आपसे पहले इस कोर्स का नाम सीए सीपीटी था। और उस समय उस एग्जाम में 2016 एग्जाम में हमारे 6 स्टूडेंट्स दे हैव सिक्योर 100 मार्क्स इन सीए सीपीटी स्टेज, इक्विवेलेंट टू सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन के इक्विवेलेंट जो उस समय होता था सीए सीपीटी, उसमें उनके 6 स्टूडेंट के 100% मार्क्स आए थे। 100% मींस डेफिनेटली दैट विल बी ऑल इंडिया हाईएस्ट, वो ऑल इंडिया हाईएस्ट था। ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, ये मेरे करियर का एक माइलस्टोन है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट। बाकी तो बड़े सारे 25 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में बड़ी सारी बातें देखने को मिली, अच्छे अच्छे बच्चों से मुलाकात हुई, उनको पढ़ाने का अवसर मिला। अब इधर जब सीए फाउंडेशन कोर्स आपको आपका आया है उस समय देखिए तो ये हमारे रैंक होल्डर्स के लिस्ट है। रैंक होल्डर कहने का सेंस क्या हुआ, रैंक होल्डर ऑल इंडिया लेवल पे स्टूडेंट को जो पोजीशन अवार्ड किया जाता है वो वी हैव ट्राइड टू कंपाइल इट एट वन प्लेस, मेनी मोर आर देयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी इनमें से एक होगे जो लॉ में ऑल इंडिया हाईएस्ट लाने वाले स्टूडेंट होगे, जिनको सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया में रैंक्स आएंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग इट। और फिर अगले जब कभी
हम डेमो लेक्चर या अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे तो आपका भी नाम उसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम बात करें तो ये जो क्लास आपको दिलाई जा रही है ये एकेन एकेन सीए क्लासेस अ वेंचर ऑफ सीए आशीष ग्रोबर एंड माइसेल्फ नितेश कुमार, हम दोनों का ये इंस्टीट्यूशन है। इसके स्टूडियो से ये क्लास दिलाई जा रही है। आशीष ग्रोवर सर ने अकाउंटेंसी की क्लास ली होगी, आपने उनका क्लास देखा होगा, बहुत इंस्पायरिंग क्लास है, मोटिवेटिंग क्लास है। उनके भी स्टूडेंट्स के ऑल इंडिया हाईएस्ट टाइम है, उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब भी किया होगा, बताया भी होगा, डिटेल शेयर भी किया होगा आपके साथ। तो अगर एज अ होल देखें तो एकेन सीए क्लासेस में सीए फाउंडेशन स्टेज की एंटायर पैकेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, चारों पेपर्स की। हम वीडियो लेक्चर जो अगर आपको प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी ऑफ ऑल फोर क्लासेस एंड यू विल एंजॉय इट रियली। अब आइए आज जो हमारा डिस्कशन है दैट इज सेंटर्ड ऑन द सेकेंड पेपर, पेपर टू, बिजनेस लॉज, जो कि 60 मार्क्स का है। इसकी डेमो वीडियो मैं रिकॉर्ड कराने जा रहा हूं। बड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग शुरू करेंगे, हल्के फुल्के ढंग से शुरू करेंगे एंड रियली यू विल एंजॉय इट एंड आई एम एश्योरिंग इट दैट यू विल फॉल इन लव विथ लॉ एंड यू विल स्टार्ट रोमांसिंग विथ दिस पेपर। तो 60 मार्क्स के सीए फाउंडेशन लॉ स्टेज में, लॉ पेपर में आपके इन टोटल 5 चैप्टर्स है, इन टोटल 5 चैप्टर्स है, यू आर हैविंग 5 चैप्टर्स एट सीएसीपीटी स्टेज। ये 5 चैप्टर हैं आपके, उन 5 चैप्टर को क्या क्या हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ये 5 चैप्टर्स हैं जिसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर नंबर 2 इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, चैप्टर नंबर 3 इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, चैप्टर नंबर 4 इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड चैप्टर नंबर 5 इज द कंपनीज एक्ट 2013। आप तो कहोगे कि सर मैं तो चैप्टर पढ़ा करता था पहले बाकी के पेपर्स में, यहां पे चैप्टर में एक्ट दिख रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है, कहीं सेल ऑफ गुड्स एक्ट लिखा हुआ है, ये एक्ट है क्या सर? तो सही बात है, लॉ में चैप्टर होता नहीं है, ये डिफरेंट लॉज का कॉम्बिनेशन है एंड टुगेदर दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉज।
इनको इकट्ठे तौर पे आप बिजनेस लॉस कहते हैं। तो ये 5 चैप्टर्स आपको करने हैं। इन 5 चैप्टर्स में अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये एक ही फैमिली के पार्ट है, मीन्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन दोनों का ओरिजिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुआ है। तो इनको बेसिकली हम एक जैसा मानते हैं। एंड देन कम्स LLP 2008 एंड द कंपनी एक्ट 2013। अब आपका कहना होगा कि सर मार्क्स का वेटेज क्या है। तो मार्क्स का अगर वेटेज देखें, सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को अलॉटेड है। मतलब ये आप मान के चलिए चैप्टर नंबर 1 इज ABC ऑफ बिजनेस लॉ, जहां से आप बिजनेस लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज द ABC ऑफ बिजनेस लॉज। अब मैं बाकी की बातों पे आता हूं। अब देखिए, जो हमने अभी आपसे बात की है, द फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर नंबर 2 इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, चैप्टर नंबर 3 इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, चैप्टर नंबर 4 इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड चैप्टर नंबर 5 इज द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। अब आइए, तो आपका अब यहां पे मुझसे क्वेश्चन होगा, सर जी ये बताओ व्हाट इज लॉस एंड देन व्हाट इज बिजनेस लॉस एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईयर। यहां पे क्योंकि मुझे तो एकदम आपको ABC सिखाना है और उसकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ ले रखी है, तो अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले आपको बताने जाऊंगा आज एक नए डायमेंशन में, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज। लॉ का मीनिंग क्या होता है आप समझिए, लॉ होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज। क्यों लॉ बनाते हैं आप, क्या सेंस है, क्या आपको फायदा होगा? लॉ कभी आपने सुना है नाम? हाजी सर सुना है। क्या सुना है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुना है। क्या नाम सुना है? तो लॉ ऑफ डिमांड नाम सुना है। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये बताइए फिर आप
ये वाला लॉ उन लॉ से अलग कैसे है, या दोनों एक है? मेरा आंसर होगा दोनों डिफरेंट है। वो लॉ अगर उसको हिंदी में कहें तो दैट वाज कॉल्ड नियम, हिंदी में उसे नियम कहें, और ये लॉ जो है दिस इज ज्यूरिस्ट लॉ, दिस इज द लॉ टू बी यूज्ड बाय जजेज, लॉयर्स, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। अब अगर आप लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पे क्या होता था, वहां पे आपका अप्रोच होता था अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट करने प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यही आपका अप्रोच था वहां। लेकिन वहां पे तो एक बात और भी थी, अगर वो स्टेटस गुड्स था, प्रेस्टीज गुड्स था, तो प्राइस बढ़ने पे भी आप डिमांड बढ़ा देते थे, होता था या नहीं? लेकिन यहां पे ये नहीं है, यहां पे इस लॉ का जिसका यूज कोर्ट, जज वगैरह करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये यूनिफॉर्म है और इस लॉ को हर कंडीशन में अप्लाई करना ही है आपको, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप सोचो आज जिस ज्यूरिस्ट लॉ की बात कर रहे हैं उस लॉ का इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगी, लॉयर्स करेंगे, जजेज करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे, तो आपका डायमेंशन देखो कितना बड़ा होने जा रहा है। और लॉ क्या होता है, बाकी के भी सब्जेक्ट को बैकिंग देता है, इवन अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो, वहां पे कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट को रिजिड बना सकता है, सॉलिड बना सकता है, फर्म बना सकता है, एंड दैट इज योर लॉ। अब आप देखिए इस लॉ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस लॉ, इस लॉ को आप डिफाइन कैसे करते हैं? लॉ को डिफाइन कैसे करते हैं इसको आप समझो, तो इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स फ्रेम्ड बाय द नेशन टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल लिविंग विद इन इट्स टेरिटरी। दोबारा मैं बोलूं, लॉ रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स फ्रेम्ड बाय द नेशन टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल लिविंग विद इन इट्स टेरिटरी। मीन्स लॉ का मीनिंग हमने क्या लिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स हैं ये। दूसरी बात, उस रूल को कौन फॉलो करेगा, ह्यूमन बींग फॉलो करेगा, पीपल फॉलो करेंगे, प्लांट एनिमल्स के लिए नहीं है ये, दिस इज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो इस लॉ को फॉलो करता है ह्यूमन बींग और उससे उसका बिहेवियर क्या होगा, रेगुलेटेड होगा विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। मींस मैं आपको अगर यहां पे बताने आऊं तो व्हाट इज दैट, मैं बताने आऊं इसी बात को मैं लिख के दिखाता हूं। लॉ रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स फ्रेम्ड by a nation to regulate
द कंडक्ट ऑफ पीपल विद इन अ टेरिटरी। आप कहिएगा ये है क्या? तो इसमें आप देखिए, सबसे पहली बात आई सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक कलेक्शन है, संग्रह है। कौन बनाता है? नेशन बनाता है। कहां पे लगाते हैं हम और क्यों लगाते हैं? टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। और इसके एप्लीकेशन का एरिया क्या होगा? तो दैट विल बी अ टेरिटरी। टेरिटरी मींस नेशन। थोड़ा इस बात को फिर से समझिए, वापस समझिए। अब रूल बनाया गया तो एक्सपेक्ट किया जाता है वो रूल सारे लोग फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो उनका कंडक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और कहां इसका एप्लीकेशन होगा? विद इन टेरिटरी। टेरिटरी मींस कंट्री विद इन द पॉलिटिकल मैप। एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जस्ट टेक द केस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लॉज। आपका जो ट्रैफिक लॉ होता है उसमें क्या कहा जाता है? जो बाइकर्स हैं दे मस्ट वियर अ हेलमेट, जो कार ड्राइव करते हैं दे मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। क्यों ऐसा बनाया गया? ये क्या है? तो ये रूल्स है। किसने बनाया? नेशन ने बनाया। क्यों बनाया? लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बनाया, नियंत्रित करने के लिए बनाया कि सारे लोग अगर मोटर बाइकर्स जो होते हैं अगर हेलमेट लगा के चलें तो एक अच्छा देखने को मिलता है, कार बेल्ट लगा के चलें तो एक अच्छा सिस्टम देखने को मिलता है, एंड दैट इज फॉर द सेफ्टी एज वेल। मतलब लोगों के बिहेवियर को यह नियंत्रित करता है। और कहां नियंत्रित करता है? विद इन अ टेरिटरी। टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री। लेकिन इस डेफिनेशन में आज के डेट में अगर आप देखें तो क्या है, आज के डेट में अगर लॉ आप देखें तो लॉ डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। और आज के डेट में तो इंटरनेशनल लॉज आ गए हैं जी, जिसका कोई दायरा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, दैट मे अप्लाई अक्रॉस द टेरिटरी, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसलिए मीन्स आज के इंटरनेशनल लॉज का जो सेंस है वो क्या किया है? दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एटसेट्रा। तो देर इज नो पॉलिटिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री। द कंट्री मे स्ट्रेच बियॉन्ड अ लिमिट, एंड दैट्स वाई इंटरनेशनल लॉज हैव बीन फ्रेम्ड देयर। लेकिन नॉर्मल सेंस में हम लॉ का मीनिंग जो लेते हैं, व्हाट इज दैट? दिस इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब आज आप अगर घर जाएं और आपके घर के लोग आपसे पूछें कि साहब आपके फैमिली मेंबर हैं, कोई लॉयर हैं, आपके फादर हैं, आपके ताऊ हैं, आपके कोई रिलेटिव अगर लॉयर हैं और वो आपसे पूछे कि साहब तुम एकेन की लॉ की क्लास लेके आए हो, बताओ लॉ के बारे में क्या जानते हो, तो आपका बस एक छोटा सा आंसर होगा, व्हाट इज दैट? इट इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कलेक्शन है। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टू यू। एंड नाउ कम्स लॉ, हमने समझ लिया। अब आइए बिजनेस लॉज का सेंस क्या है? व्हाट इज द सेंस ऑफ बिजनेस लॉज? तो लॉ का डेफिनेशन आपको कहता है, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। द बिजनेस लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग अ बिजनेस। दिस इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग अ बिजनेस। आप अपने साथ दोहराइए, जहां भी बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, बोलना होगा, बोलो
क्या बोल रहे हो? लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. फिर बोलो व्हाट इज बिजनेस लॉज? आप बोलोगे इट इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. चलिए आप कहिएगा. तो देखिए लॉ को अगर आप लेते हैं तो दिस इज टेकन इन अ जनरल सेंस. दिस इज टेकन इन अ जनरल सेंस. ये एक वाइडर अप्रोच का कॉन्सेप्ट है. मतलब देर आर डिफरेंट विंग्स ऑफ लॉज. बिजनेस लॉज जिसके डिफरेंट पार्ट्स आपके सामने. देन देर विल बी क्रिमिनल लॉज जिसमें कुछ नाम आते हैं. केवल आप सुनने को सुन लीजिए, अभी बस सुनना ही है उसको. इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. देन देर यूज टू बी सिविल लॉज. देन देर यूज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन लॉज. देन देर यूज टू बी इंटरनेशनल लॉज. तो लॉ एक जनरल डेफिनेशन है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. इन दैट वे बिजनेस लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब अगला क्वेश्चन होगा आपका, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? आपका होगा कि सर नाउ व्हाट इज एक्ट? ये एक्ट क्या है? बिजनेस लॉ तो समझ में आ गया सर, व्हाट इज दिस एक्ट? ये एक्ट क्या है, कैसे बनाते हैं? एक्ट बनाने का पावर कैसे आता है? अब आइए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. एक्ट, लॉ में डिफरेंस क्या है? तो एक्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर. लॉ जनरल नेचर का होता है और एक्ट स्पेसिफिक नेचर का होता है. दैट मींस एक्ट को अगर हम देखें तो जैसे यहां पे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस लॉ. यह बिजनेस लॉ का एक पार्ट है, लेकिन यह केवल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है. गेटिंग इट और नॉट? बिजनेस लॉ बड़े डायमेंशन का हुआ और एक्ट एक नैरो सेंस का हुआ. यह किसी खास कॉन्सेप्ट को डील करता है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट मींस रूल्स, एक्ट मींस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज लॉ विच डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, जो केवल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट मींस पार्ट ऑफ लॉ, दैट मींस इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच डील्स विथ पार्टनरशिप. कंपनीज एक्ट, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डील्स विथ कंपनीज. तो बेटे बात समझ में आ गई. लॉ एक जनरल सेंस में हम रूल्स एंड रेगुलेशन को लेते हैं, और वही रूल्स एंड रेगुलेशन अगर स्पेसिफिक सेंस में अप्लाई होता है तो दैट इज एक्ट. वो कंपनी को डील करता है तो कंपनीज एक्ट. वही रूल्स एंड रेगुलेशन अगर पार्टनरशिप को डील करता है तो दैट इज पार्टनरशिप एक्ट. और वही रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आई होप आई एम क्लियर टू यू. तो हम लोगों ने क्या क्या डोर खोला है अभी तक, क्या क्या कॉन्सेप्ट समझा है, उसमें हमने पहला समझा लॉ, देन बिजनेस लॉज, एंड नाउ देयर इज एक्ट. अब हम आपको लाने वाले हैं ये डिफरेंट ईयर्स का क्या सेंस है. आइए
इस पर हम डिस्कशन करें। तो एक्ट का डेफिनेशन हमने लिया, व्हाट इज दैट, ए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, अब ये एक्ट बनता कैसे है? तो एक्ट बनाने का प्रोसेस क्या है? ये नहीं है कि कोई भी बना लेगा, एक सिस्टम है उसका। एंड व्हाट इज दैट, सबसे पहले आता है बिल। बिल इज द प्रपोज्ड एक्ट, प्रपोज्ड लॉ, और यू कैन कॉल इट ड्राफ्ट लॉ। ये लॉ हमने बनाया है, अब ये लॉ हम लेके जाएंगे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, संसद में लेके जाएंगे। अब इंडिया में अगर आप देखो तो देर आर टू हाउसेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो, यूनियन लेवल पे बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये बिल पहले लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, वहां पर प्रेजेंट होगा, वहां से पास होगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा, वहां से पास होगा और फिर यह भेजा जाएगा हेड ऑफ द नेशन के पास, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो गया तो यह बिल एक्ट या लॉ में बदल जाता है। यह हमारे यहां लॉ बनाने का सिस्टम है। पहले बिल लाया जाएगा, अगर यूनियन बिल है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अगर वो अप्लाई होना है तो पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा राज्यसभा में आएगा, वहां से पारित होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट से अप्रूवल होगा तो दैट विल बिकम एक्ट और लॉ। ये प्रोसेस है, दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब एक बात समझिए, अपने यहां एक शानदार सिस्टम है, वो क्या है, इस बात को आप देखो कि हमारी गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ है। किसने किया है? तो दिस इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, मैं फिर बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। संविधान क्या है? इस देश में अलग अलग धर्म, जाति, फेद को मानने वाले लोग हैं। अब सबका अपना अपना एक विश्वास है। अब जैसे इंडिया में अगर आप देखिए तो यहां पे हिंदू कम्युनिटी है, उनका धर्म ग्रंथ गीता और रामायण है। मुस्लिम कम्युनिटी है, उनका जो होली बुक है दैट इज कुरान। क्रिश्चियन है तो उनके लिए बाइबल है। सिख है तो उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। ये उनके धर्म ग्रंथ हैं और ये सारे लोग इंडिया में रहते हैं। अब मान लो इस देश को चलाना है तो कैसे चलेगा? डाइवर्ज, भांति भांति के लोग रह रहे हैं, इसलिए हमारे यहां बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द होली बुक ऑफ दिस कंट्री, इज द प्रिंसिपल लॉ बुक ऑफ गवर्नेंस फॉर दिस कंट्री। इसलिए कभी कभी कहा जाता है यह देश संविधान से चलता है। ये जो बातें आप सुनते हैं ना, इसका इंप्लीकेशन है बेटा, इसका महत्व है। यह देश संविधान से चलता है। तो संविधान ने हमारी व्यवस्था को तीन पार्ट में बांटा। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। देन देयर इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका,
एंड देन देयर इज जुडिशियरी, न्यायपालिका। अब लेजिस्लेचर जो होता है इसमें आपके आगे पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के लेवल पे असेंबलीज, इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है कानून बनाना। मतलब इसकी बात अगर आप देखें, यही पार्लियामेंट है जहां पे ये बिल लाया जाएगा और उसको फाइनली एक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, एक्सक्यूटिव, इसलिए लेजिस्लेचर को हम एमपी जो होते हैं इनको कहते हैं लॉ मेकर। इनके लिए जो नाम दिया जाता है, दे आर द लॉ मेकर ऑफ दिस कंट्री, वो कानून बनाने वाले लोग हैं। देन कम्स एक्सक्यूटिव, कार्यपालिका, गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम लॉ को लागू करने का है। और जुडिशियरी जैसे कोर्ट्स वगैरह आई, इनका काम है कोई डिस्प्यूट अगर आ रहा है, कोई विवाद आ रहा है, कहीं पे कानून की परिभाषा अगर ढंग से समझ में नहीं आ रही है तो उसको बताना जुडिशियरी का काम है, कोई विवाद आ रहा है तो उसको सुलझाना जुडिशियरी का काम है। और इसलिए इंडियन सिस्टम को जो हम कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यों का विभाजन, and this has been followed from or this has been adopted from the American constitution, that is separation of power. Ek shandar separation of power hai between all the three wings of government. Theek hai ji, ab aaiye हम लोग ने लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझा। अब यहां पे देखो, ये जो लॉ पार्लियामेंट पास करेगी, संसद बनाएगी, ये एक बुक में लिखा जाएगा एंड दैट बुक इज कॉल्ड बेयर एक्ट। दिस इज कॉल्ड बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या है जी? बेयर एक्ट, इट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ लॉ। ये लॉ का ओरिजिनल बुक है जी, दिस इज द ओरिजिनल बुक ऑफ लॉ। इसलिए ओरिजिनल बुक ऑफ लॉ कहने का मतलब क्या हुआ आप समझो, जिस बुक में लॉ लिखा गया, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, वो बेयर एक्ट होता है। अब लॉ की बुक, लॉ का ये बेयर एक्ट बाकी के सब्जेक्ट के बुक से भी डिफरेंट है। अब इकोनॉमिक्स का बुक होगा, उसमें डिमांड का डेफिनेशन कुछ एक बुक एनसीईआरटी कुछ दिया होगा, दूसरे बुक ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया होगा, आपके सर ने थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बताया होगा, और आपने जब लिखा होगा तो आपका लैंग्वेज अलग होगा। Similarly happens with accountancy as well, but as far as law is concerned, you don't have any other choice. You will have to go by the original book of law, जिसको parliament ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, आपके life के first law teacher ने नहीं बनाया जी, ICI ने नहीं बनाया, ये तो parliament से बना हुआ book है, ऑथर ने नहीं बनाया, ये तो पार्लियामेंट से बना हुआ बुक है। इसलिए मैं एक बात बताता हूं, अगर आप गूगल पे टाइप कीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पूरा लॉ आपको एक फॉर्मेट पे वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ लॉ। उसी लॉ को हम यहां पे पढ़ाने जा रहे हैं, और देखिए इसका क्या इंप्लीकेशन है। यही बेयर एक्ट मैं पढ़ा हूं,
मैं उससे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पढ़ोगे उसे। वही लॉयर के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, वही कोर्ट के जजेज के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो आप देखो आप कितने बड़े सब्जेक्ट के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, कितने बड़े दुनिया में आ रहे हो, एकेडमिक फील्ड में आ रहे हो। द सेम लॉ हु विल बी यूज्ड बाई दैट विल बी एडॉप्टेड बाई जजेज ऑफ कोर्ट्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। इसलिए जब भी आप लॉयर के चैंबर में जाएंगे, जैसे मेरे पीछे चल रहा है, बुक्स का कलेक्शन आपको दिखेगा, सजा के बुक रखी जाती है। कौन सी बुक होती है? वो बेयर एक्ट होती है। ये जितनी भी बुक आपको दिख रही है, दीज आर बेयर एक्ट्स। समझ में आ गई बात? अब देखिए है क्या। तो हम लोगों ने यह बात समझने की कोशिश की, लॉ क्या है, द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्ट क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है जी। अब आइए अगली बात जो हमारी आती है यहां पे, व्हाट इज दैट? दैट इज दीज ईयर्स। इसको डिकोड करना है, इसका सेंस क्या है? 1872, 1930, 1932, इसका सेंस क्या हुआ? दिस इज द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई गुड्स वगैरह लेते हैं ना, देखते हैं ना, उस पर लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका निर्माण कब हुआ। तो यहां पे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, यहां पे तो होगा ईयर ऑफ पासिंग द लॉ। मींस 1872 का महत्व तो यह हुआ, इंपॉर्टेंस यह हुआ, यह लॉ 1872 में बनाया गया। अब चलिए पूरी बात समझ के चलिए, एक बार वापिस आइए। मैं एकदम जो बात आज कराने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके मन में वो बैठ जाए, मतलब उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात ही ना हो। बिजनेस लॉज, लॉज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिजनेस रिलेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन स्पेसिफिक होगा तो रिलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एप्लीकेबल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 1872 वाज पास्ट इन द ईयर 1872। तो दोहराओ मेरे साथ बोलो, जहां भी बैठ के आप हमारी क्लासेस देख रहे हो, बोलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का डेफिनेशन क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आप क्या समझते हैं? हाँ, तो पहली बात, इंडियन मतलब इंडिया की टेरिटरी में ही अप्लाई होगा। एक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पेसिफिक है मींस रिलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 1872, जिसे 1872 में बनाया गया, मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट रूल्स और रेगुलेशन का सेट है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जिसका एप्लीकेशन इंडिया में होगा, और इसे बनाया कब गया? 1872 में। चल अब आगे की बात पे आइए। नहीं, आगे की बात पे देखिए, अब हमारा जो पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसे हम फॉर्मली स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थोड़ा देखिएगा, वापस देखिएगा, अब जो ये बेयर एक्ट है जिसमें लॉ लिखा गया है,
इस बेयर एक्ट वाली बुक को डिफरेंट पैराग्राफ्स पे डिफरेंट हेडिंग्स में बांटते हैं और हर हेडिंग को हम सेक्शन कहते हैं, SECTION, सेक्शन धारा कहते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस बुक में बनाया गया उसको अलग अलग पैराग्राफ में बांटा गया और हर पैराग्राफ को आप सेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, कहने का सेंस क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो बेयर एक्ट के अंदर हैं और उन हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। गौर कीजिएगा, नाउ सी हियर, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसमें पहला पार्ट होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह होता है सेक्शन 1, एसीसी डॉट लिखो या SECTION लिखो, सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। फिर लॉज रिलेटिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज देयर इन सेक्शन 124 टू 238। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यह दिखता है, मन में आपकी बातें आ रही हैं और आनी भी चाहिए कि सर 76 टू 123 क्या है, क्या ये लॉ सेक्शन 238 पे खत्म हो गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना है। यही का एक पार्ट होता है सेल ऑफ गुड्स, जो सेक्शन 76 टू 123 में था। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं था, पास्ट टेंथ, समझाता हूं अभी, वापस समझाता हूं आपको। और लॉज रिलेटिंग पार्टनरशिप, रिलेटिंग पार्टनरशिप, ये सेक्शन 239 टू 266 पे था। कहने का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया तो यहां पे सेक्शन 1 टू सेक्शन 266 होता था इनिशियली जब 1872 में बनाया गया। लेकिन किया क्या गया 1930 में, ये याद रखिए 1930 में, 1930 में यहीं से सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दिया गया। पहले सेल ऑफ गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता था, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 76 टू 123 में होता था। लेकिन आज के डेट में क्या किया गया और आज के डेट में दिखता क्या है और यह हुआ 1930 में, इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया और इसी का नाम बना दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सिमिलरली पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ पहले कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता था, जो सेक्शन 239 टू 266 में था। 1932 में इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया और इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जाना गया। मतलब आज इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम देखें तो केवल क्या है, हमें क्या में देखने को मिलेगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या देखने को मिलेगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और बीच का ये 76 टू 123 खाली है। क्यों, वो सेल ऑफ गुड्स के साथ 1930 में चला गया और 238 के बाद का पार्ट फिर
ब्लैंक है. क्यों? क्योंकि वो इंडियन पार्टनरशिप के साथ 1932 में चला गया. तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इसलिए हमने आपको बताया था, याद कीजिए, जब हमने आपके साथ अपनी क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बताया था कि ये जो तीन लॉ हैं, व्हाट इज दैट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फैमिली है, जिसमें से 1930 में सेल ऑफ गुड्स को अलग किया गया और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया गया. तो आई थिंक आई हैव गिवन यू द एंटायर बेसिक्स ऑफ लॉज एंड इन दैट मैनर वी हैव स्टार्टेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब आइए, तो अगर लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट पैराग्राफ और द फर्स्ट हेडिंग विल बी कॉल्ड सेक्शन वन. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन वन क्या कहता है, इसलिए आप देखिएगा बड़ी डायनेमिज्म है, बड़ी विविधता है लॉ के अंदर. यह नहीं कि कोई स्टैग्नेंट है, एक समय बना दिया गया और वही चल रहा है. लॉ बनता है, फिर अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, पुराने लॉ की जगह नया लॉ आता है, अभी आपको सिखाने वाले हैं वो. इसलिए ये पूरे कंटेंट, पूरे लॉयर की ऑफिस काम करती है साथ में, इसका इंप्लीकेशन है. आइए हम आए सेक्शन वन पे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नाम लिख दे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन वन. सेक्शन वन, सेक्शन वन सोच, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन. एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, इस लॉ का एप्लीकेशन कहां होगा जी? तो सेक्शन वन क्या कहता है, इंडिया में होगा, क्योंकि आप नाम ही जान रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसका एप्लीकेशन इंडिया में होगा, नेचुरल सी बात है. लेकिन यहां पे भी कुछ लोचा है, कोई प्रॉब्लम है. व्हाट इज दैट? आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम डिफाइन करते हैं, सेक्शन वन को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया. आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इंडियन है मींस इंडिया में एप्लीकेशन होगा, तो यह लिखने की क्या जरूरत है? जरूरत है. व्हाट इज दैट? कि ये लॉ देखिए 1872 में बनाया गया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली नहीं थी, मींस ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है और उस समय की कंडीशन कुछ अलग थी. था क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्राइमरी बुक ऑफ लॉ है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल हुआ करता था. कॉन्स्टिट्यूशन के हेडिंग को, पैराग्राफ को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल के नाम से. तो उस समय एक आर्टिकल होता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 370. देयर वाज आर्टिकल 370, दैट वाज आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 क्या कहता था? आर्टिकल 370 के अंदर व्यवस्था थी कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी हैविंग अ स्पेशल स्टेटस. जम्मू एंड कश्मीर राज्य को भारत में एक विशेष दर्जा मिलता था, यही आर्टिकल 370 का मतलब था. और विशेष दर्जा मिलने का मतलब भारत के सारे कानून स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होते थे. स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भारत के सारे कानून लागू नहीं होते थे. क्यों?
उसको शील्ड मिला हुआ था, उसका रक्षा कवच था, और वो क्या था? आर्टिकल 370। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी वहां एप्लीकेशन नहीं होता था। अब क्या किया गया समझिएगा, जब ये लॉ बनाया गया उस समय तो व्यवस्था ये रखी गई, और ये लॉ बनाया गया, एक बात आपको याद रखना चाहिए, इंडिया में इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन, ये थोड़ी सी बात छूट गई, ये 1 सितंबर 1872 से होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण डेट है जो आपको याद रखना चाहिए। 1 सितंबर 1872 से होता, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का था, ब्रिटिश के जमाने का लॉ था, लेकिन इस लॉ को बनाया था इंडिया की पार्लियामेंट ने। थोड़ी सी यह बात भी मैं आपको समझा दूं, था ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिशर ने इंडिया का अपना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रखा था। उस समय भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। और कब बनाया गया ये, एक डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1872 को इसे एसेंट मिल गया, अप्रूवल मिल गया। 25 अप्रैल 1872 को इसे अप्रूवल मिल गया, लेकिन इसका एप्लीकेशन इंडिया में 1 सितंबर 1872 से होना शुरू हुआ। खैर, अब की बात हम करते हैं। तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे इंडिया के सारे लॉ को अप्लाई नहीं होने देता था। मैं बात कर रहा हूं अब अगस्त, किसकी बात कर रहा हूं, अगस्त 2019, बस जब आप क्लास 12th में आए होगे, आपकी स्टडी चल रही होगी, अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। एंड व्हाट वाज दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब कश्मीर को जो एक शील्ड मिलता था कि वहां पे भारत के सारे कानून लागू नहीं होंगे, जबकि कश्मीर भारत का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन उस समय भारत के कानून लागू नहीं होते थे। क्यों? आर्टिकल 370 की व्यवस्था थी। इस आर्टिकल 370 को ही हटा दिया गया, और जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो भारत के सारे कानून स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगे। तो पहले के बुक में, मतलब पुराने जो भी मींस बेयर एक्ट में भी, अगर आज के डेट में आप देखो बेयर एक्ट में भी देखो, तो जो 1872 में यह लॉ बनाया गया उसमें क्या लिखा गया था, दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? आर्टिकल 370, आर्टिकल 370। लेकिन 370 अब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आज के डेट में डेफिनेशन हमारा क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी इंक्लूडेड हो गया इसमें, ठीक है जी। तो ये हमने सेक्शन 1 एक्सटेंट ऑन एंड एप्लीकेशन को देखा। अब हमें क्या क्या समझ आ चुका है, 1872 हमें समझ आ चुका है, 1 सितंबर 1872 एक्ट समझ में आ चुका है, इंडियन में हमें बात समझ में आ चुकी है, पूरे इंडिया में एप्लीकेशन होगा, पूरे इंडिया में इस लॉ का एप्लीकेशन होगा। एक ही बात यहां पे रह गया, एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्ट्रैक्ट की है, और वो अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा है। अब मेरा आपके साथ कोशिश होगा टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ही अलग है, सब्जेक्ट ही अलग है, जिसमें आपका डेफिनेशन नहीं चलेगा, मेरा डेफिनेशन नहीं चलेगा, बुक का डेफिनेशन नहीं चलेगा, बेयर एक्ट का डेफिनेशन चलेगा। तो आप समझो, हमें एक कॉन्सेप्ट अभी जानना है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है, फिर बेयर एक्ट पे आइए, सेक्शन 2H ऐसे लिखते हैं, स्पेल आउट कीजिए, इसे स्पेल आउट कीजिए, क्या कहेंगे, सेक्शन 2H लिखा हुआ, 2H लिखा होने का मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन H, फिर से दोहराओ, वापस दोहराओ, सेक्शन 2 सब सेक्शन H, सब सेक्शन H, हेडिंग के सब हेडिंग्स को हम सब सेक्शन कहते हैं। तो ये क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, कहने का सेंस क्या हुआ, इसमें हमें दो बातें समझनी होगी, एग्रीमेंट क्या है और दूसरी बात समझनी होगी इनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या है। तो थोड़ा अगर इसे हम लिखने की कोशिश करें, थोड़ा इक्वेशन वगैरह के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो हाउ वी कैन राइट इट, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, यह सीधी सीधी बात होती है, अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अपने को समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। देखो जी, हमें आपसे कुछ और बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है, चाहता तो मैं भी बहुत था बीच में कुछ बातें करूं, कुछ रोमांचक बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन हमारा सब्जेक्ट हमें अलाउ ही नहीं करता है, पूरा सीक्वेंस टूट जाएगा। और इतना डेलिकेट स्टेज पे हम आए हैं कि जहां पे एक भी दूसरी बात कहने का, एक भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कहने का हमारे पास फुर्सत नहीं है। और ये पूरे आप लॉ कॉन्सेप्ट पे, लॉ सब्जेक्ट पे आप देखोगे, टाइम ही नहीं है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा हमारा। और हमें तो आपको लॉ समझाना है क्योंकि हम आपके जीवन के पहले लॉ के टीचर हैं। तो आइए इस बात को हम समझें। तो हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट, इस पहले वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं जी, दिस इज अग्रीमेंट, फिर इनफोर्सेबल बाय लॉ की बात करते हैं। अग्रीमेंट क्या है, कैसे समझना चाहेंगे, लॉ से, लॉ के डेफिनेशन से, उस पर भी हम लाएंगे, लेकिन पहले हम अग्रीमेंट का एक लिंग्विस्टिक सेंस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अग्रीमेंट ये दो वर्ड से बना है और इसमें सबसे इंफ्लुएंशियल जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, वो है एग्री। एग्री मीन सहमत होना। सहमत किससे होइएगा आप, अपने आप से सहमत होइएगा, कम से कम दो लोगों की जरूरत होगी एक सहमति बनाना है, तो यू नीड एटलीस्ट टू पर्सन एट अ टाइम, कम से कम दो लोगों की जरूरत होगी तब एग्रीमेंट बनेगा, तब एग्रीमेंट बनेगा। मींस इस वर्ड को हम समझने की कोशिश करें। अब देखिए एग्रीमेंट कैसे बनता है, जैसे आप समझिए ए बी को कहता है कि वो अपना कार ए बी को सेल करेगा
और बी बदले में 20 लाख रुपीज का पेमेंट कर देगा। ए कार बेचने को तैयार है तो बी कार लेने को तैयार है। बी 20 लाख रुपए देने को तैयार है, ए उसे लेने को तैयार है। मींस बोथ आर इन एग्रीमेंट, बोथ आर एट कॉन्सेंसस, दोनों में सहमति बन चुकी है। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट, इसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। तो आप एक बात देखो, लॉ तो पढ़ना अभी आप शुरू कर रहे हो, लेकिन बताओ ऐसा एग्रीमेंट तो आपने अनेकों बार कर रखा है, बहुत बार एग्रीमेंट कर रखा है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू हैव मेड सेवरल एग्रीमेंट्स इन योर लाइफ। आप बुक परचेज करते हो, वो भी एक एग्रीमेंट है। सेलर आपको बुक सेल करने को तैयार है और आप उसे पैसे देने को तैयार हो, दोनों एक दूसरे बात की बात से सहमत हो तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया तो यहां से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस है वो स्टार्ट होता है। देन स्टार्ट्स, हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस जो हमारा होगा वो यहां से शुरू होगा। मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझो। तो एग्रीमेंट हो गया जी, टू अग्री दैट मींस वी हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट में एंटर हो गए। अब बताइए एग्रीमेंट में एंटर हो गए तो अगला यहां पे स्टेप क्या है। अगर मान लो ए ने कह दिया कि वो कार सेल करेगा और बी ने कह दिया कि वो 20 लाख रुपीस देगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा एक कह के कार ना सेल करे, क्या होगा फिर? यहीं पे लॉ आएगा, लॉ अपना एप्लीकेशन दिखाएगा, बी विल अप्रोच टू कोर्ट और वो इस एग्रीमेंट को इनफोर्स करवाएगा, इस एग्रीमेंट को लागू करवाएगा। कोर्ट में जाएगा, जज साहब को कहेगा, जज साहब ए ने मुझे कहा था कि मैं कार बेचूंगा, वो कह के मुकर चुका है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिएबल, लागू करवाना। मतलब कोई पार्टी अगर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है तो दूसरे पार्टी को मौका मिलता है, लीगल रेमेडी मिलती है, कानूनन उपाय है, विकल्प है उसके पास। सिमिलरली इट मे बी पॉसिबल, बी 20 लाख रुपए देने को कह के ना दे तो व्हाट विल हैपन देन, ए विल अप्रोच कोर्ट और ए भी क्या करेगा, कोर्ट में प्रे करेगा कि जज साहब बी ने 20 लाख रुपए देने का वायदा किया था और वो दे नहीं रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिएबल बाय लॉ। मींस एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा अगर कोई पार्टी उस एग्रीमेंट को तोड़ने की, उस कमिटमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है तो लॉ उसे लागू करेगा। और लॉ का रूप कौन है, लॉ दिखता किस रूप में, बुक में दिखता है? लॉ बुक में दिखता है, टीचर में दिखता है? नहीं, लॉ आपका, लॉ का जो मूर्त रूप है दैट इज कोर्ट। लॉ का कस्टोडियन आपका कोर्ट है, संरक्षक कोर्ट है। आप कोर्ट में जाएंगे, दुहाई लगाएंगे, आप जज साहब के सामने कहेंगे कि जज साहब देखो एक पार्टी ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, ये तो कानून को वो तोड़ रहा है, उस अब इस कानून को एक बल दो, एक फोर्स दो, तो दैट विल बिकम इनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम क्या कहें, एन एग्रीमेंट, दोहराओ वापिस, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जिसको कानून का समर्थन मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये तो मैंने एक बेसिक सेंस में आपको समझाने की कोशिश की। अब आप समझो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, एक पूरा हम प्रोसेस आपको समझाने की आज कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत होती है ऑफर से। इसको अगले पेज पे ले लेते हैं।
यू शुड टेक इट नेक्स्ट पेज. Offer plus acceptance is equal to promise. Promise plus consideration, घबराइए मत, तुरंत आप समझ जाएंगे इन बातों को, is equal to agreement. Agreement enforceable by law is contract. Offer plus acceptance is equal to promise. Promise plus consideration is equal to agreement. Agreement enforceable by law is contract. आइए, मतलब हमें पहुंचना है कॉन्ट्रैक्ट तक, यहां तक पहुंचना है. रास्ता क्या है? What is the path? We will have to start with offer. ये offer है, यहां से शुरू होकर हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे. मतलब ट्रेन इस स्टेशन से स्टार्ट हुई और ये फाइनल डेस्टिनेशन है. दिल्ली से ट्रेन चली मुंबई तक, तो रास्ते में अलग अलग स्टॉप मिलते रहेंगे, स्टेशन मिलते रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेशन को आप ब्रिज कर जाएंगे, हवाई जहाज बन के आप उड़ जाएंगे. सारे रास्ते से गुजरना होगा, सारे स्टेशन से गुजरना होगा, तब आप मुंबई पहुंचेंगे, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. और इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम ऑफर. ऑफर से शुरुआत होती है. ऑफर कहने का सेंस क्या हुआ? मान लो ऑफर, अपने आप को तो हम देंगे नहीं जी. ऑफर अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो तो ऑफर अपने आप को तो नहीं देते हो ना. ऑफर देने के लिए कोई और भी होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन इज रिक्वायर्ड. तो ए बी को कहता है, गौर कीजिएगा, ए बी को कहता है, राम श्याम को कहता है कि वो अपना गुड्स सेल करेगा इन 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए में वो अपना गुड्स बेचेगा. ये किसने कहा? ए ने कहा बी को. तो ए इज सेड टू मेक एन ऑफर, और ऑफर करने वाले को हम ऑफरर कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑफरर कहते हैं. और ये ऑफर दिया किसको गया? बी को दिया गया, एंड ही इज कॉल्ड ऑफरी. तब बी के पास क्या ऑप्शन है? वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. और तो आप कहिएगा ना एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, वो साइलेंट रह जाए, तब क्या होगा? अब आप एक रोज बर्ड, एक गुलाब का फूल लेके किसी के पास जाते हैं, आप समझिए स्कूल लाइफ में, अब आप कॉलेज लाइफ में आए तो यहां भी होगा ऐसा, लेके जाते हैं तो बातें क्या क्या होंगी. आप एक ऑफर दे रहे, अब अगले ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कह दिया हाँ जी कबूल है, कबूल है, ऐसा भी हो सकता है. दूसरा तो कबूल है मतलब एक्सेप्टेंस, दूसरा चाटा लगा तो वो तो रिजेक्शन ही हो गया, और तीसरा साइलेंस, चुपचाप रह गई. जिसके पास आप ऑफर लेके गए वो चुपचाप रह गई, कुछ नहीं कहा उसने, तो दैट इज साइलेंस.
एंड साइलेंस यहां पे कहलाता है दैट इज नो एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नो एक्सेप्टेंस. यहां मतलब लॉ के अंदर हां ही हां है, बाकी सब ना है. हां कहना है तो खुल के हां कहो, प्रदर्शन करो, बोल के लिख के व्यवहार से हां कहो. चुप रह जाओगे ये भी नहीं चलेगा. तो ये आपके लिए एडवाइस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. साइलेंस पे भी मत जाइएगा, वो बड़ा डेडली होता है, खतरनाक होता है. हां कहवाना है तो हां होनी चाहिए, दिखनी चाहिए. खैर, बी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो नाउ इट इज प्रॉमिस. बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिस है. प्रॉमिस मीन्स वायदा है, और वायदा किया है तो निभाना होगा. बड़ा सिंपल सा रूल है, या तो वायदा करो नहीं, और किए हो तो निभाओ. मीन्स जैसे बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब ए का एक वायदा हुआ कि ए को गुड्स देना होगा, दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम द साइड ऑफ ए, और बी के साइड से एक दूसरा प्रॉमिस हुआ कि उसे 10 लाख रुपए देने होंगे. ये एक प्रॉमिस हुआ एंड दिस इज अनदर प्रॉमिस. दीज आर टू प्रॉमिसेस. ये प्रॉमिसेस है. ये कब हुआ? ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद. तो आप हमारे टेबल पे देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. अब आइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेटमेंट आता है. एंड व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? क्या कहता है? एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज जस्ट लाइक अ लाइटेड मैचस्टिक थ्रोन ऑन द ट्रेन ऑफ गन पाउडर. Acceptance to an offer is just like a lighted matchstick thrown on the train of gunpowder. कहने का मतलब, offer का importance तभी है जब वो accept हो. ये sentence क्या बताता है? Train of gunpowder, बारूद का ढेर. ये offer है. यहां पे कहा गया, symbolic term पे कहा गया, ये एक offer के जैसा मानिए. लाइटेड मैचस्टिक, माचिस की तीली, जलती माचिस की तीली. ये मान के चलिए एक्सेप्टेंस है. एग्जैक्टली वही बात है. बारूद का अगर ढेर पड़ा हुआ है, क्या होगा? नो सेंस. कोई उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं है. तो ऑफर भी पड़ा हुआ है, ऑफर ए ने बी को दिया कि मैं गुड्स बेचूंगा 10 लाख रुपए में. बी साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा. तो उस ऑफर का कोई सेंस नहीं है. हां, सेंस कब आता है? जब बारूद के ढेर पे जलती हुई माचिस की तीली फेंकी जाए, चलाया जाए उसे. नाउ देर विल बी अ बिग एक्सप्लोजन, देर विल बी अ बिग बैंग, और फिर आप उसके इंपैक्ट से, उसके कंसिक्वेंसेस से नहीं बच सकते. आप उसके प्रभाव से अपने आप को अलग नहीं कर सकते. बारूद के ढेर पे जलती हुई माचिस की तीली अगर आपने फेंकी तो धमाका होगा, उसका प्रभाव होगा, उसका इफेक्ट होगा, और उस प्रभाव से आप नहीं बच सकते. सिमिलरली एग्जैक्टली वही बात है. ऑफर एक बारूद का ढेर है, एक्सेप्टेंस जलती हुई माचिस की तीली है. दोनों लगेगा तो धमाका होगा, और उस धमाके का नाम है प्रॉमिस. अब आता है कॉन्सिडरेशन. देन देयर कम्स कॉन्सिडरेशन. कॉन्सिडरेशन को हम क्या कहते हैं पता है?
समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ, बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। विजिबल शायद मुझे लगता है कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन हियर अग्रीमेंट, कॉन्सेंट्रेशन का जो सेंस है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। तो यहां भी बदले में कुछ है जी। क्या है? एक प्रॉमिस है गुड्स देने का, गौर कीजिएगा यहां पे, एक प्रॉमिस है गुड्स देने का और साथ में दूसरा प्रॉमिस है, बदले में दूसरा प्रॉमिस है, सेकंड प्रॉमिस है, बदले में दूसरा प्रॉमिस है, बदले में दूसरा प्रॉमिस है, क्या? 10 लाख रुपए देने का। तो दैट इज समथिंग इन रिटर्न। और जब प्रॉमिस के साथ कॉन्सेंट्रेशन होता है तो दैट बिकम्स अग्रीमेंट, इसी को आप कहते हैं एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था? एक लीगल सेंस नहीं देखा था। अभी तक हम लोग एक जनरल सेंस पे चल रहे थे। अब लॉ के अंदर एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन है उसको मैं दिखाता हूं और मुझे उम्मीद होगा कि वो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज दैट? एग्रीमेंट इसको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई क्या डिफाइन किया जाता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कॉन्सिडरेशन For each other, एक बार इसे आप नोट कर लो, every promise or set of promises forming consideration for each other, every promise or set of promises forming consideration for each other, याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको हल्की बातें करते करते मैंने लॉ के डेफिनेशन पे पहुंचा दिया। कैसे आपने इसको समझा? आपके सामने है एंड आई होप कि यू हैव नोटेड इट। यहां पे देखिए क्या देखा आपने, ऑफर होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस होगा, फिर प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में कॉन्सिडरेशन होगा, मतलब दो प्रॉमिस साथ में चलेंगे तो एग्रीमेंट होगा, मीन्स हर प्रॉमिस या प्रॉमिस का ग्रुप जो एक दूसरे का कॉन्सिडरेशन है, याद कीजिए, हर प्रॉमिस या प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के बदले दिए जा रहे हैं, दैट इज गिवन इन रिटर्न ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बदले दिए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? अग्रीमेंट कहलाया। ये लॉ का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को हम लोगों ने समझा। तो वापिस आओ, हम लोगों ने अभी तक कितनी बात समझने की कोशिश की है, इसको थोड़ी देर बाद में मैं रिपीट कर देता हूं, एक साथ रिपीट कर देता हूं। अभी तो आप ये देखो, एग्रीमेंट को आपने क्या डिफाइन किया? हर प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का ग्रुप जो एक दूसरे का कॉन्सिडरेशन है, दैट इज एग्रीमेंट। नाउ आई होप आई एम क्लियर टू यू। आपके फर्स्ट लॉ टीचर ने यह बात आपको समझा दी है, नहीं? चलिए जी, मजबूरी है, कुछ आगे कह नहीं सकते, समय इजाजत नहीं देता।
आगे ही, ठीक है जी। अब आइए, अब वो एग्रीमेंट जो लॉ से इनफोर्सिएबल है, एग्रीमेंट तक आप आ चुके हैं, एग्रीमेंट तक आप आ चुके हैं, अब वो लॉ से इनफोर्सिएबल है, लॉ से वो लागू कराया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, इनफोर्सिएबल, लागू कराया जा सकता है। तो इसका भी आपने डेफिनेशन देखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इनफोर्सिएबल बाय लॉ कहने का मतलब अगर ए ने गुड्स नहीं दिया, ए ने गुड्स कह के नहीं दिया, एग्रीमेंट करके नहीं दिया, तो बी इसे इन्फोर्स कराएगा। कहां इन्फोर्स कराएगा? कोर्ट में इन्फोर्स कराएगा, कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा इसे लागू करवाएगा, कोर्ट में इंसाफ मांगेगा। और अगर बी 10 लाख रुपए कह के नहीं दिया तो ए इसे कोर्ट में इन्फोर्स कराएगा, दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन्फोर्स करने का, लागू करवाने का, और इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इस बात को हम लोग एक सिस्टम से जानने की कोशिश करें, ये सिस्टम से जानने की कोशिश करें, सिस्टम से जानने की कोशिश करें। इसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूं अभी, मतलब एकदम आपको बात समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए इसको देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के स्टेज को ऑफर जस्ट वेट, ये देखिए ऑफर backed by acceptance is equal to promise, backed by consideration is equal to agreement, enforceable by law is equal to contract। वापिस याद करो, offer plus acceptance is equal to, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, offer plus acceptance is equal to promise, प्रॉमिस प्लस कॉन्सिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक सिस्टम है, एक प्रेजेंटेशन है, जिससे आपने ये बात समझने की कोशिश की। ठीक है जी, चलिए, तो यह बात हो गई। तो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, यह कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की बात हुई। इनफोर्सिएबल बाय लॉ अब होगा कैसे, किन किन स्टेप्स पे होगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो वापस हमारे साथ दोहराइए, रिपीट कीजिए, आज के पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात सीखा, लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देन बिजनेस लॉज, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट, स्पेसिफिक लॉ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक
ऐसा कलेक्शन है जो एक खास पर्पस को फुलफिल करता है, एक खास कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेबल होता है। मींस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड इन इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ? फ्रॉम 1 सितंबर 1872। दोहराते जाइएगा, इसको पास किसने किया था, बनाया किसने था? इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था। अगली बात, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट पहली बात नहीं, उससे पहले सेक्शन 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विल बी एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर भी लागू होता है। क्लियर हो गई बात? सेक्शन, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन, जल्दी बोलो, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच क्या था? अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। दोबारा बोलो, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अग्रीमेंट हो गया, और जो अग्रीमेंट लॉ से इनफोर्सिएबल हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट बनाते कैसे हैं? तो इसकी शुरुआत करते हैं ऑफर से। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन ये क्या होगा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब इनफोर्सिएबल होता कैसे है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, हमारी जो बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी, और ये हमारे लॉ का बुक है, बिजनेस लॉज रिटन बाय नितेश कुमार, फर्स्ट लॉ टीचर ऑफ योर लाइफ, ठीक है जी। और पूरा फॉर्मेट है, एक बार थोड़ा मैं चाहूंगा कि जूम करके ये दिखा दें, सो दैट स्टूडेंट को एक बुक का आइडिया मिले कि इस पे क्या मेहनत की गई है आपके साथ, इस बुक के साथ व्हाट वी हैव डन, एकदम प्रॉपर वे में दिखाना है हमें। अगर आप स्लाइड देखिए, बुक देखिए, तो एकदम एक टेबुलर फॉर्म में, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सारी बातें आपको दिखाई गई हैं। मींस बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बातें समझाने की कोशिश की गई है। जैसे एक एग्जांपल, रुकिएगा, जैसे यहां पे देखिए, आज जो हम लोगों ने टॉपिक किया है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। क्लियर हो गया? उसके ऊपर एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये पूरी, ये मैंने ही बुक लिखी है, पूरे स्टाइलिश प्रेजेंटेशन में, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन में, एंड परहैप्स दिस इज द बेस्ट अवेलेबल बुक इन इंडिया फॉर सीए फाउंडेशन इन केस ऑफ लॉ, फॉर लॉ दिस इज द बेस्ट अवेलेबल बुक। सेकेंड जो बुक है वो हमारी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग की बुक है। द बुक इज लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो रिटन बाई मी, नितेश कुमार, और ये एक एन पब्लिकेशन से आती है हमारी, जहां से आपकी, जिस स्टूडियो से आपकी क्लास आज लाइव हो रही है, ये बुक है। इसके अलावा यहां पे कुछ केसेस के कंपाइलेशन हम अपने स्टूडेंट को अवेलेबल करवाते हैं, तो ये आपको मिलता रहेगा। एंड आई होप कि आज अभी इस वीडियो में जितनी बातें हमने आपको बताई,
आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली बात करते हैं और वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ अग्रीमेंट बिकम्स इनफोर्सिबल बाय लॉ, एंड आई होप एंड बिलीव यू विल एंजॉय लर्निंग लॉ। थैंक यू वेरी मच।